नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे रुपये यानी कि जो हमारा इंडियन नेशनल रुपया है उसकी कीमत अलग अलग देश की करेंसी के साथ कंपेयर करके बताएंगे। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसे देश जहाँ पर हमारे रुपये की वैल्यू यानी कि कीमत उनके करेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कई देश ऐसे हैं दोस्तों जिनके बारे में सुनकर और जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, जिसे कोई भी जानकारी छूटे नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछा करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो आज का सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो इसका ऑप्शन है ये बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे एक रुपये की कीमत बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर उसकी कीमत की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि एक रुपये की हमारी कीमत की वैल्यू वेनेजुएला का जो बोलीवर है उसका 1167 बोलीवर के बराबर होता है। फिर उसके बाद एक रुपये की कीमत 622 ईरान का रियाल के बराबर होता है। फिर उसके बाद एक रुपये की कीमत वियतनाम का जो डोंग है उसका 334 रुपये के बराबर होता है। एक रुपये की कीमत 307 रुपये डोबरा के बराबर होता है। फिर एक रुपये की कीमत 292 रुपये बेलारूस का रबल के बराबर होता है। फिर एक रुपये की कीमत है 207 रुपये इंडोनेशिया का जो रुपया है उसके बराबर होता है। फिर एक रुपये की कीमत 131 रुपये जो गुनिया का फ्रांस है उसके बराबर होता है। फिर दोस्तों, एक रुपये की कीमत देखें तो 123 रुपये लाओस का जो किव है उसके बराबर होता है। एक रुपये की कीमत 115 रुपये उज्बेकिस्तान का जो सोम है उसके बराबर होता है। 92 रुपये ल्यूनी के बराबर होता है। 83 रुपये पेरागुआ के गुरानी के बराबर होता है। एक रुपये की कीमत कम्बोडिया का रियाल 59 रुपये के बराबर होता है। एक रुपये की कीमत 56.65 युगांडा का शिलिंग के बराबर होता है। एक रुपये की कीमत 42 रुपये कम्बोडियन पैसे के बराबर होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी हमारे करेंसी के मुकाबले बहुत कम है। एक रुपये की कीमत 35 रुपये मंगोलियन टोगरोट के बराबर होता है। एक रुपये की कीमत 33 रुपये तंजानियन शिलिंग के बराबर होता है। 26 रुपये बुरुडियन फ्रांक के बराबर होता है। 23 रुपये कांगोलिस के फ्रांक के बराबर होता है। हमारा एक रुपया 22 रुपये लेबानिस के पाउंड के बराबर होता है। हमारा एक रुपया बर्मा का कैट के 20 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो एक रुपया है वो 17 रुपये के ईरानी जो दिनार है उसके 17 रुपये के बराबर होता है। हमारा एक रुपया जो साउथ कोरिया है दोस्तों, साउथ कोरिया के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, वहाँ का 16 रुपये के बराबर हमारा एक रुपया होता है। फिर देखें तो हमारे एक रुपये की कीमत 13 रुपये नॉर्थ कोरिया के बराबर होता है। फिर एक रुपये की कीमत 12 रुपये रवांडन फ्रांक के बराबर होता है। फिर एक रुपये की कीमत 10 रुपये मलावियन क्वाचा के बराबर होते हैं। फिर एक रुपये की कीमत 9 रुपये चिली पैसे के बराबर होता है। फिर एक रुपये की कीमत सोमाली का जो सीलिंग है उसके 8 रुपये के बराबर होता है। फिर हमारे एक रुपये की कीमत वेस्ट अफ्रीकन जो सेंट्रल फ्रांक है उसके 8 रुपये के बराबर होता है। फिर हमारे एक रुपये की कीमत कोस्टरिका का जो कोलोन है उसके 8 रुपये के बराबर होता है। हमारे एक रुपये की कीमत 8 रुपये सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक के बराबर होता है। हमारे एक रुपये की कीमत सीरिया का जो पाउंड है उसके 7.5 रुपये के बराबर होता है। हमारे एक रुपये की कीमत आर्मेनिया का जो ड्रम है उसके 7 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो एक रुपया है वो कैमरून का जो फ्रांक है उसके 6 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो एक रुपया है जो नाइजीरिया का नायरा है उसके 5 रुपये के बराबर होता है। हमारा एक रुपया जो है वो ओगिया का 5 रुपये बराबर होता है। हमारा जो एक रुपया है वो कजाकिस्तान का जो टेंगे है उसके 5 रुपये के आसपास होता है। हमारा जो एक रुपया है वो हंगेरिया का जो फोरिंट है उसके 4 रुपये के बराबर होता है। हमारा एक रुपया जिम्बाब्वेन जो डॉलर है उसके 4.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो एक रुपया है वो एंगोलन का जो क्वांजा है उसके 3.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो एक रुपया है वो गुयाना का जो डॉलर है उसके 3 रुपये के बराबर होता है। हमारा एक रुपया है जो यमन का जो रियाल है उसके 3.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा एक रुपया जो है वो श्रीलंका का जो रुपीस है उसके 2 रुपये के बराबर होता है। हमारा एक रुपया
लाइबेरिया का जो डॉलर है उसके 2 रुपये के बराबर होता है। हमारा 1 रुपया डिजिबुती का जो फ्रांक है उसके 2.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा 1 रुपया जापान का 1.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा 1 रुपया अफगानिस्तान में 1.25 रुपये के बराबर होता है। हमारा 1 रुपया अल्बानिया का जो लेख है उसके 1.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा 1 रुपया बांग्लादेश का जो टका है उसके 1.25 रुपये के बराबर होता है। हमारा 1 रुपया स्कूडो के बराबर 1.40 के बराबर होता है। हमारा जो 1 रुपया है वो अल्जीरिया का जो दिनार है उसके 1.25 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो 1 रुपया है वो आइसलैंड का जो क्रोना है उसके 1.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो रुपया है वो जमैका का जो डॉलर है वो करीब 2 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो 1 रुपया है वो केन्या का जो शिलिंग है उसके 1.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो रुपया है दोस्तों वो नेपाल का जो रुपया है उसके 1.5 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो रुपया है वो पाकिस्तान का जो रुपया है उसके करीब 1.25 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो रुपया है वो सर्बिया का जो दिनार है उसके 1.5 रुपये के बराबर है। हमारा जो रुपया है वो साउथ सूडान का जो पाउंड है उसके करीब 2 रुपये के बराबर होता है। हमारा जो रुपया है वो वाटू के हिसाब से देखिए तो 1.58 रुपये के आसपास होता है। हमारा जो रुपया है वो 1.5 रुपये के फ्रांक के बराबर होता है। दोस्तों ये सब वो कंट्रीज है जिनमें हमारे रुपये की कीमत ज़्यादा है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों हाँ, हम आपको बता दें कि ये जो हमारा जो वर्ल्ड जो करेंसी के साथ जो कंपेयर है वो 1 जुलाई का है, यानी कि ये आज का है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का ये पूरा करेंसी का कंपेरिजन है, मतलब आज के दिन ये करेंसी की कीमत कितनी थी उसके हिसाब से ये पूरा हमने निकाला है। दोस्तों आपको ये देख के हैरानी होगी कि वेनेजुएला का जो बोलीवर है वो हमारे 1167 रुपये के बराबर है, यानी कि अगर हम 1 रुपये वहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ के 1167 रुपये के बराबर होगा। दोस्तों आप सबको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर साथ में कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।